हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स। आप आज चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उड़ने की आशा के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सयाली और परेश बात कर रहे होंगे। वो यहाँ पर परेश कहेगा कि मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। सयाली कहेगी कि वो अपने फ्रेंड से मिलने गए हैं। या सचिन की गैर मौजूदगी में सयाली डिस्कस करती है सचिन की प्रॉब्लम को। वो कहती है कि बाबा, मैं कैसे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। वो अपने फादर इन लॉ से रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर सचिन की हालत देखी नहीं जा रही। परेश एफर्ट सयाली के को अप्रिशिएट करता है। वो कहता है कि ठीक है, आज रात में पूजा है दशहरा की, इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे पति की जितनी भी मुश्किल परेशानी है वो सॉल्व हो जाए, सचिन को भी कार वापस मिल जाए। वो कहती है कि मैं ना सचिन को सरप्राइज़ करना चाहती हूँ, उसकी गाड़ी वापस लाकर। इधर मॉर्निंग में रेणुका अपनी बड़ी बहू यानी कि रश्मि से कहती है काम के बारे में। रश्मि झूठ बोल देती है। वो कहती है उसका जो पार्लर है अब वो नहीं है। रेणुका क्रिटिसाइज़ करती है सचिन को कि वो कुछ कमा नहीं रहा। सचिन यहाँ पर इंसल्ट करता है अपनी मदर की ये कहकर कि तो क्या मैं कुछ उल्टी सीधी जॉब ढूंढ लूँ। लेकिन सयाली कहती है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ तो करो, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल पाएगा। सयाली रिक्वेस्ट करती है सचिन से कि तुम काम पे जाओ, क्योंकि उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना है। सचिन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो कंप्लेन करती है अपने फादर इन लॉ से कि सचिन मेरे साथ चलने से मना कर रहा है। तभी परेश यहाँ पर ऑर्डर करते हैं कि चलो सब बाहर चलो, कुछ स्पेशल है। तभी वो लोग घर के बाहर आते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं देख कर के सचिन की कार है बाहर। सचिन बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपनी गाड़ी को बाहर देख कर के। वो समझ जाता है कि ये कार उसके घर में लौटाई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परेश की वजह से। सचिन कहता है कि बाबा, आपने ये लौटाया ना और आपने ये सीक्रेट रखा, लेकिन ये टोटली यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। परेश कहते हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया बड़ा, ये सब कुछ सयाली ने किया है। सचिन बिलीव नहीं कर पाता। उसके बाद परेश डिस्क्राइब करता है कि कैसे सयाली गई गणेश बाबू के पास, उससे रिक्वेस्ट करी, वो अग्री हो गया तुम्हारी कार को सेल करने के लिए। गणेश से हमने ये कार 400,000 रुपये में खरीदी है, जो 50,000 एक्स्ट्रा भी उसने मांगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बतौर। सयाली यहाँ पर शॉक हो जाती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो 50,000 रुपीज़ लौटा देगी खुद अपनी कमाई से। सचिन या फादर से कहता है कि आपके सारे पैसे चले गए, यानी कि रेणुका कहती है सचिन ये घर गिरवी रखा है तेरे बाबा ने। स्टिल परेश यहाँ पर सयाली को थैंक्स कहता है कि उसकी बातों से ही मैं इंकरेज हुआ, मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि मैं कार इस तरीके से वापस ला सकता हूँ। तेजस और रोशनी दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज है घर में गाड़ी को देख कर। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल, फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।